नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण बढ़ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है, तो इससे बचने के लिए ब्रेकफास्ट में क्या खाए, चार चीज़ें के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहे। दोस्तों, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना एक बेहतरीन चॉइस होती है, इससे आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। कई लोग काम की जल्दबाजी में नाश्ता स्किप कर लेते हैं, जो सही नहीं है। आप सुबह ऑफिस जाने से पहले सेहतमंद चीज़ें खाएं, इससे खून में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलेगी। वही ब्रेकफास्ट स्किप करना लिपोप्रोटीन LDL में इजाफा कर सकता है और आप मोटापा का, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों को शिकार से मुक्त पा सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि नाश्ते में हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। ओटमील को नाश्ते में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पाचन तंत्र में LDL कोलेस्ट्रॉल को जोड़ता है और इसे आपके शरीर से निकालने में मदद करता है। इसमें एक कटा हुआ सेब, नाशपाती या कुछ सरसबरी या स्ट्रॉबेरी मिलाएं। ऐसा करने से फाइबर को बढ़ावा मिलता है। संतरे, संतरा एक बेहद कॉमन फ्रूट है। इसे जूस, विटामिन सी का एक रिच सोर्स माना जाता है। बेहतर है कि इसे इसके रेशों के साथ खाएं, ताकि आपको फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिले और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। हालांकि अगर इसका जूस निकाल कर पियेंगे तो भी भरपूर मात्रा में फायदा मिलेगा। स्मोक्ड सालमन, सालमन मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक रिच सोर्स है। ये हेल्दी फैट और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और खून में मौजूद हाई ट्रिग्लिसराइड्स की संख्या को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप टमाटर, केपर्स और तिल जैसे अन्य टॉपिक के साथ स्मोक सालमन का आनंद ले सकते हैं, जो सेहत के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद है। अंडे की सफ़ेदी, अगर आप पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ते के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो अंडे की सफ़ेदी का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है। इससे हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारी पर आधारित है। इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।